ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम सीओपी बोलते हैं वो हम कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो एआईबी का एग्जाम देने वाले हैं और जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और जो एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम होता है और डाउट होता है कि क्या मेरा सीओपी जो है मेरे बाई पोस्ट घर पे आएगा या नहीं आएगा, मुझे कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे तरीके बहुत सारे डाउट्स आपके सामने आएंगे। तो इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशियरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशियरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशियरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशियरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं, और बहुत टॉप के एजुकेटर्स हम होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशियरी एग्जाम्स के, जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी, इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशियरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10 यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशियरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है हाउ टू गेट सीओपी आफ्टर क्लियरिंग या फिर आफ्टर पासिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको हम AIBE के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे को कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने की एक अथॉरिटी देता है, एक लाइसेंस देता है, एक लाइसेंस को ग्रांट करता है, एक परमिशन देता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि भाई जो लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE का एग्जाम पास करते हैं, क्लियर करते हैं, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होते हैं सीओपी को पाने के लिए। पहली बात तो आपको इतनी समझ लेनी है। दूसरी बात आती है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, हर किसी कैंडिडेट का जो पास कैंडिडेट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, जिसने एग्जाम पास किया है, उसको उसके हाथ में सीओपी आने का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6 से 7 महीने, 7 से 8 महीने तक लगते हैं एज पर द कंडीशन। जैसे अभी COVID-19 चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी जो हमारा सीओपी आने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऑफिसेज खुल नहीं रहे हैं, ऑफिसेज आ नहीं रहे हैं, और जो प्रिंटिंग होता है सीओपी का उसको भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो इसको भी एक ध्यान में रखा जाता है। इसी वजह से 6 से 7 महीने का टाइम वैसे तो कायदे से लगता है हर किसी के सीओपी को हाथ में आने में, ठीक है। हाथ में आने की बात हो रही है, अब इसका जो प्रोसेसिंग होती है और जो वेरिफिकेशन होती है, जैसे कि आपने अपना एग्जाम पास कर लिया, तो जब आप बार काउंसिल के अंदर जाओगे, अपना एडमिट कार्ड वहां शो करोगे, मतलब कि वो अपने सिस्टम के अंदर भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में बंदा पास है या नहीं है, इसको जो है जो वेरिफिकेशन का रोल नंबर या फिर इसके जो मार्क्स हैं या फिर जो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है जो बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपका प्रोसेस चालू होता है आपकी सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को प्रिंट करने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो ऑफिस होता है वहीं से ही आपका जो है सीओपी बार काउंसिल वाले भेज देते हैं, तो वहीं से ही आपको कलेक्ट करना होता है। अब मेन बात आती है 6 से 7 महीने का तो टाइम लगता है, तो ये 6 से 7 महीने का कुछ प्रोसेस होता होगा, तो वो हमारे हाथ में सीओपी कैसे आए तो वो भी तो हमारे को बात जाननी पड़ेगी। तो यही बात अब मैं आपको बताता हूं इन हैंड, मतलब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे आएगा, जो हमारे आगे कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। अब इसके अंदर पहले बात आती है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्या क्या रखने हैं जब आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाओगे। जैसे कि आज आपने AIBE का एग्जाम क्लियर करा, तो 2-3 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, जब आपको टाइम मिलता है या जब आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि भाई अब मेरे को स्टेट बार काउंसिल के अंदर ऑफिस में जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाने पड़ेंगे, फिर वो आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि आज आपने एग्जाम क्लियर करा और अगर आप कल जा रहे हो स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कल जा रहे हो या फिर 5 महीने बाद जा रहे हो, 2 महीने बाद जा रहे हो, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। सबसे पहला,
AIB का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिस AIB का आपने क्लियर करा है, जैसे AIB 15 अभी बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों पास भी हुए हैं, तो उनको जो है अपना एक एडमिट कार्ड रखना है AIB 15 का। पहला पॉइंट, AIB जो आपने फीस रिसिप्ट दी थी जो 3560 रुपए होती है जनरल की, 2560 रुपए होती है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स की, वो आपके पास होनी चाहिए। AIB का रिजल्ट, जो ओनली पास कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पास कैंडिडेट्स ही अपना रिजल्ट अपने पास रखिए निकाल कर प्रिंट आउट फॉर्म में। तीन बातें हो गई, एग्जिस्टेंस स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट, मैंने बहुत सारी बार बता रखा है कि भाई आप AIB का फॉर्म ही जब भर सकते हो जब आपने किसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपने आप को एनरोल करा रखा होगा एज एन एडवोकेट के तौर पे। अगर आपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं करा रखा है तो आप AIB का फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो आपके पास स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट बार काउंसिल के अंदर आपने अपना आपको एज एन एडवोकेट एनरोल कराया है। अब फिफ्थ पॉइंट हमारे को बात करनी है, वो फिर स्टेट बार काउंसिल वाले आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए, तो वो फॉर्म आपको फिल आउट करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद और साथ में वो फॉर्म भी देना है। अब इसके अंदर आपको दो फोटोग्राफ्स भी देनी होंगी, एक तो आपके सर्टिफिकेट पे लगती है फोटोग्राफ और एक वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी रखते हैं फोटोग्राफ्स, दो से ज़्यादा भी मांग सकते हैं कोई स्टेट बार काउंसिल के अंदर, दो की बजाय चार, तो वो उनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फोटोग्राफ्स पे आपको ध्यान देना है, पूरी कोर्ट ड्रेस के अंदर होनी चाहिए क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम तक जो फोटोग्राफ है वो यूज होगी रिकॉर्ड्स के अंदर पूरे लाइफ टाइम तक, तो आप जितनी अच्छे से अच्छी फोटोग्राफ जैसे कि कोट टाई और वाइट शर्ट ब्लैक पैंट एक्सेट्रा जो आपको अच्छा लगता है और जो कोर्ट ड्रेस का जो डेकोरम वाली जो कोड ऑफ कंडक्ट पहननी पड़ती है एडवोकेट्स को, वो वाली आपको ड्रेस के अंदर फोटो खिंचवानी पड़ेगी और वहाँ सबमिट करानी पड़ेगी, कहाँ पर, स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस के अंदर। जब आप ये सारा का सारा काम कर लेते हो तो उसके 6 से 7 महीने का टाइम लगता है और आपको स्टेट बार काउंसिल के तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाता है और बार काउंसिल वाले आपके स्टेट बार काउंसिल के अंदर आपका COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भेज सकते हैं। अब एक डाउट आ रहा होगा, अभी मैंने बोला था कि भाई अगर आपने आज एग्जाम क्लियर करा है और आप कल जा रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराने, और तो आपके 6 से 7 महीने लगेंगे, लेकिन आप 5 महीने बाद जा रहे हो, 2 महीने बाद जा रहे हो, 1 महीने बाद जा रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन आपकी पूरी करवाने के लिए, तो क्या उस 1 महीने के बाद 6 से 7 महीने लगेंगे? नहीं, मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप 5 महीने बाद भी जा रहे हो ना तो आपको सिर्फ 2 से 3 महीने का और वेट करना पड़ेगा अपने ये सारी की सारी वेरिफिकेशन को पूरा होने के बाद में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मेन बात आती है कि भाई बहुत लोगों के मन में ना डाउट होता है कि नहीं भाई मैंने तो अब AIB एग्जाम क्लियर कर लिया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो मैंने क्लियर कर लिया है, तो मेरी जो COP है ना घर बैठे आ जाएगी, बाई पोस्ट आ जाएगी, बाई कोरियर आ जाएगी। तो आप भाई ये बात को भूल जाइए कि किसी की भी COP जो है बाई पोस्ट, बाई कोरियर, बाय किसी भी तरीके से एनी मोड की तरफ से नहीं आती है, आपको खुद स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना पड़ता है, पहले अपनी वेरिफिकेशन पूरी करानी पड़ती है, एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, उनको फोटोग्राफ जमा करानी होती है, तब जाके आपको जो है बार काउंसिल की तरफ से जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करा होता है आपके स्टेट बार काउंसिल के अंदर, वही आपको प्रोवाइड कराते हैं आपका COP जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है 6 से 7 महीने के अंदर अंदर। तो ये जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई भाई मेरा तो भाई कोरियर आया, भाई पोस्ट हो गया, सब झूठ होता है, बिल्कुल क्लियर तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर बात होती है कि भाई COP चलो मैंने ले ली तो इसका बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहली बात भाई ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है हर एक लॉ ग्रेजुएट के लिए, हर एक जो स्टेट बार काउंसिल के अंदर एडवोकेट एनरोल्ड होता है उसके लिए, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड होता है एडवोकेट वो सिर्फ 2 साल के लिए एनरोल्ड होता है, 2 साल के बाद तो उसकी जो एडवोकेसी है वो खत्म, जो उसके एडवोकेट का अधिकार है वो खत्म, तो उसको बरकरार रखने के लिए लाइफ टाइम के लिए तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि उनको अपने लॉ फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और एक लॉयर है, एक लॉ ग्रेजुएट है, तो वो लॉयर या लॉ ग्रेजुएट बना ही इसलिए कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, तो अगर उसके पास COP नहीं होगी तो वो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कैसे कर पाएगा। तो ये तो सबसे ज्यादा एक काम करने का जरिया जो लाइसेंस आपको दिया जा रहा है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की तरफ से ही दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे कि सारे के सारे लॉयर्स को एडवोकेट्स को राइट मिल जाता है कि भाई आप किसी भी इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाके एज एन एडवोकेट के तौर पर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंट है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करने के बाद दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर कट के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप मेरे को अपना मन में कोई आपका डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट जरूर बताइएगा, और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट बनता है कि मुझे इसके बारे में बताना चाहिए आप सभी लोगों को, तो आप अपने टॉपिक्स जो हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।